भाई साहब, एक पीएफ मेंबर के ना 2 लाख रुपए फंस गए और उसे कैसे ठीक किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इसे कैसे ठीक करना है आप भी इसे खुद से जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं कि क्या एरर आ रहा है। ये आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट अवेलेबल, दिस गेट द सेम अपडेट थ्रू एम्प्लॉयर। तो ये एरर कब आता है, जब आप ऑनलाइन सर्विस में जाके क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये एरर आ रहा है। हिंदी में समझते हैं क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि भाई आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अवेलेबल नहीं। कहाँ से नजर आएगी, व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीएफ की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है। अब ऐसा कैसे हो गया भाई, नौकरी ज्वाइन की तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो होनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं है। तो इसका आंसर है कि आप एम्प्लॉयर पोर्टल के अंदर आपको चलना पड़ेगा। मैं आपको एम्प्लॉयर का पोर्टल दिखा रहा हूँ। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, मैं कंपनी का भी काम करता हूँ और एम्प्लॉय का भी काम करता हूँ, इसलिए जो ये वीडियो दे रहा हूँ ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हम आपको अगला स्टेप दिखा रहे हैं जो कि कंपनी के पोर्टल पे देखना है। कंपनी का पोर्टल हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने पे हमें यहाँ नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे अगर कंपनी को खुद से चेक करना हो कि भाई मेरे कर्मचारी कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं डाली, तो डैशबोर्ड में जाना है, मिसिंग डिटेल में जाना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे टच करना है, सर्च करना है। अब इस कंपनी के अंदर मान लो 500 कर्मचारी हैं, 500 में से जिस जिस का डेट ऑफ ज्वाइनिंग नॉट अवेलेबल है सारी की लिस्ट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, आप जो अपना यूएन नंबर कंपनी के पास लेके जाओगे तो कंपनी वाला क्या करेगा, मेंबर पे जाएगा, मेंबर प्रोफाइल पे जाएगा, यहाँ यूएन नंबर डालेगा। अब समझो कि क्या ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप खुद से अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, फिर जी कंपनी बंद हो गई तो फिर ये वाला प्रोसेस चलेगा नहीं। फिर आप पहले पीएफ ऑफिस जाइए, अधिकारी से मिल के आइए, वहाँ पे क्या है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दिया जाएगा, तो वो बात हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ जो इजी वाला केस है वो देख लेते हैं। यूएन नंबर सर्च करना है, सर्च करते ही यहाँ पे हमें नीचे डिटेल नजर आ रही है, मिसिंग डिटेल पे जाना है। मिसिंग डिटेल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट ये कहता है कि जो ग्रे वाला एरिया है वो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको इसे अपडेट करना है तो जॉइंट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी मिसिंग डिटेल अपडेट करने के लिए। मतलब अगर ऐसी कोई डिटेल है जो कि ग्रे एरिया में है तो आपको फिर अगर उसे अपडेट करना है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा है मैं बताऊंगा, पहले हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आसान तरीका है वो बता देते हैं। देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना मोस्टली केस में अपडेट करने के लिए देता है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेगा, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपडेट का बटन दबाएंगे, अपडेट का बटन दबाते ही रिक्वेस्ट जो है ओके हो जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट को अप्रूवल करना होगा, अप्रूवल देने के लिए मेंबर पे जाएंगे, मिसिंग डिटेल पे जाएंगे, अप्रूव मिसिंग डिटेल यहाँ टच करेंगे तो जो आपने अभी रिक्वेस्ट वहाँ पे लगाई है वो रिक्वेस्ट यहाँ पे लाइन बन के आ जाएगी और यहाँ पे इसे अप्रूव करना होगा। मैंने इसी चैनल पे पहले भी दिखा रखा है, जहाँ पे फादर नेम अपडेट करना था मैंने वहाँ दिखा रखा है कि कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं उसी चीज़ को दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी और का प्रोफाइल अपडेट करना अभी सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको लाइनें खींच के दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में भी ये इसी तरह से किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही कंपनी ने कर दिया ना, तुरंत ही आपका सर्विस हिस्ट्री के अंदर नज़र आने लगेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो सिंपल सा केस था, लेकिन भाई मुश्किल केस भी तो हो सकता है, जिसके लिए कह रहा था कि यार ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, तो मैं आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, ऊपर आपको पीएफ ऑफिस भरना है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ कंपनी का नाम आएगा, फिर आप यहाँ नीचे चलेंगे तो देखो यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट डिटेल आएगी। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा है एनीवन, लेकिन आपको लगाना है आधार पैन कार्ड दोनों, फोटो कॉपी लगानी है, फोटो कॉपी पे कंपनी के स्टैंप और सिग्नेचर होगा। फादर नेम का एक बहुत बड़ा पंगा है, फादर नेम आप देखिएगा कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम टू सेम। स्पेलिंग में जरा सा भी अंतर होगा ना तो आपका फॉर्म ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेंगे ही नहीं। आप बोलोगे भाई मेरे को तो सिर्फ ज्वाइनिंग डेट अपडेट करनी है तो फादर नेम के पीछे क्यों पड़ रहे हो, वो बोलेंगे नहीं हम पढ़ेंगे, हमें आधार कार्ड पैन कार्ड में फादर नेम एक जैसा चाहिए और ये सारी डिटेल जो है ना प्रोफाइल से भी मैच होनी चाहिए, पीएफ के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए। कैसे देखेंगे, अब मैं वहाँ लेके तो जा रहा हूँ, मेरे को हाइड करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, यहाँ फादर नेम नज़र आ रहा है, फादर नेम पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है।
अगर नहीं होगी तो पहले आधार कार्ड पैन कार्ड में करेक्शन करो और उसके बाद ही आपको अपना फादर नेम वाला काम या फिर ज्वाइनिंग वाला काम आपको करने को मिलेगा। ठीक है, डेट ऑफ लिविंग क्या होगा, अगर मान लो नौकरी छोड़ चुके हो तो डेट ऑफ लिविंग भी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। ओके, इतनी चीज समझ गए। ये फॉर्म क्या आप खुद से भर सकते हैं, भर सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कंपनी से ही भरवाओ, क्योंकि यहाँ पे मेंबर आईडी शायद आपको ना समझ आए मेंबर आईडी क्या है या फादर नेम क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप देख सकते हो, लेकिन हो सकता है अगर आप कंपनी आपको हेल्प करना चाहे तो वो भी आपको ये फॉर्म बना के दे सकती है। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर है, यहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर स्टैंप है और यहाँ पे गोल वाली मोहर लगेगी, सिग्नेचर होंगे, ऑटोग्राफ जैसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड इस पे भी मोहर और सिग्नेचर्स लगेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 10th का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ सकता है। अगर मान लो फादर नेम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो या आपके ही नाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो आपको ये चीज 10th का सर्टिफिकेट लगाना पड़ सकता है। साथ में ही कंपनी का एक लेटर लगाना जरूरी हो जाता है अगर डिफरेंस ज्यादा है। जैसे मान लो आपका नाम राम कुमार है, उसकी जगह राम कुमार की जगह राम शर्मा करना है तो ये एक बड़ा डिफरेंस माना गया और इसके लिए कंपनी को एक लेटर लगाना पड़ेगा। इस लेटर को एक तरह से अंडरटेकिंग कहा जाता है। अंडरटेकिंग मतलब है भाई ये चेंज कर दो, अगर कोई पीएफ ऑफिस को फ्रॉड होगा पीएफ ऑफिस के साथ तो उसकी भरपाई हम करेंगे, ऐसा करके लिख के देना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, कंप्लीट जानकारी बता दी ना, कुछ छोड़ा तो नहीं ना, आपको दिखाया ना कि कैसे आपका मिसिंग डिटेल है, कैसे कंपनी अपडेट करेगी, कैसे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, सब चीजें बता दी। कोई अगर कमी हो तो कमेंट में बताओ, लेकिन अगर पूरी वीडियो लगी है ना फीडबैक में बताओ 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर दोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।